क्या आप जानते हैं कि अर्थ का सर्कमफ्रेंस या जमीन की पैमाइश किस शख्स ने कैलकुलेट की थी और कहां पर की थी? मैं आज सॉल्ट रेंज के मशरकी हिस्से में खड़ा हूं और मेरे इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ है, लेकिन आज यहाँ आने की वजह इस चोटी के उस पार होनी चाहिए। पाकिस्तान के इस हिडन जेम के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता, जबकि इस फोर्ट की कहानी बहुत ही ज़्यादा रिच और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। इस किले को 8वीं सदी में हिंदू शाही डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था सॉल्ट रेंज पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जिसकी वजह किसी हमले या इन्वेजन से बचाव था, ताकि इस रास्ते की निगरानी की जा सके जो कि इंडिया को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से मिलाता था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नंदना पास ही वो रास्ता है जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम ने इस्तेमाल किया था एक मशहूर हिंदू बादशाह राजा पोरस के खिलाफ का साथ। 11वीं सदी में इस फोर्ट को, इस इलाके को महमूद गजनवी ने फतह किया और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पर शुरू होती है। कदीम ज़माने के एक बहुत ही मशहूर पर्शियन साइंटिस्ट जिनका नाम अल बैरूनी है, वो 11वीं सदी में यहाँ आए और ये जगह उनको लड़ने के लिए बहुत ही पसंद आई, तो वो यहाँ पर रुक गए और यही वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अर्थ का सर्कमफेरेंस मेजर करने का या ज़मीन की पैमाइश करने का तरीका ईजाद किया और फिर अर्थ का सर्कमफेरेंस सक्सेसफुली मेजर भी किया। और इसके अलावा इस इलाके को मंगोल्स ने भी फतह किया और फिर उसके बाद मुग़ल एम्परर्स यहाँ पर आ गए और इस वैली का जिक्र हमें मुग़ल एम्परर जलालुद्दीन अकबर और जहांगीर के सफ़रनामों में भी मिलता है जो कि यहाँ पर शिकार करने आते थे। न जाने कितने लोग इस वैली में आए और गए और वो सब यहाँ पर इसी तरह रहते थे जैसे वो हमेशा के लिए हैं, लेकिन आज सदियों बाद इन इमारतों के सिर्फ रुइंस रह गए और इन रुइंस के साथ वो तमाम कहानियाँ जुड़ी हैं जिसकी वजह से इस पत्थर के मजमूए को नंदना फोर्ट कहा जाता है।